यहाँ पे आए हैं, देखिए हमारी मैडम हॉस्पिटलाइज हुई है क्योंकि उनका ऑपरेशन है। तो फ्रेंड्स उनका ऑपरेशन है और हम लोग यहाँ पे है हॉस्पिटलाइज। तो जो कुछ भी छोटा मोटा ब्लॉग बनेगा हम ट्राई करेंगे। तो हेलो एवरीवन, तो सुबह 8 बजे से हम लोग सैफी हॉस्पिटल में आ गए हैं, एडमिट हो गए हैं। अभी देखते हैं ऑपरेशन कभी होगा। हाँ, तो अभी डॉक्टर आएंगे तभी बताएंगे। और 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि अभी क्या ये डॉक्टर ही चल रहा था, इसलिए व्लॉग भी नहीं बना रहे थे। तो हमने सोचा चलिए थोड़ा थोड़ा व्लॉग आपको दिखाते, मतलब थोड़ा थोड़ा वीडियो बना के आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन बैठे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी डॉक्टर आते हैं, फिर क्या बोलते हैं फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे देखिए हाथों में लग गई है सुई। टेंशन है, जब तक ऑपरेशन नहीं होगा ना तब तक मुझे तो टेंशन ही रहेगा। अभी डॉक्टर आते हैं 12 बजे लेके जाएंगे, तो अभी देखते हैं उसके बाद मेरा क्या होता है। जो होगा वो अच्छा ही होने वाला है। अभी तो हंस रही हूँ, बात कर रही हूँ, बाद में बता रही। अरे बेटा मालिक बता दो सारो करे से मेरा एज 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 का उसे दिखवा नहीं जरा भी। हां मालिक कहे क्या रे कोनो बुरो नहीं करता। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे सलाइन चढ़ना स्टार्ट हो गया है, मैडम को कैसा लग रहा है? सलाइन घुस रहे अंदर। तो फ्रेंड्स चलो यहाँ पे ऑपरेशन की तैयारी हो गई है। वर्षा को ऑपरेशन के कपड़े पहना दिए हैं, मेरी बेबी को देखिए वो थोड़ा आराम कर रही है क्योंकि ग्लूकोज भी चढ़ रहा है। आशा जी नमस्कार। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी एनेस्थिया देने वाली डॉक्टर आई थी, वो सब बातचीत करके गई और मेरे लिए कुछ खाना भी आया है, सैंडविच यहाँ। इनका तो ऊपर है, फिर मुझे तो कुछ खाना है। तो अभी शायद ले जाएंगे ऑपरेट के लिए, फिर मिलते आने के बाद। मतलब अभी जो आई थी वो बेहोश करने वाली डॉक्टर थी। तो कुछ कहना है अपने फ्रेंड्स को? ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते आपको बाद में। ऑपरेशन हो गया है और वर्षा को लेके आए हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर, और जस्ट मतलब अभी आराम करके वो उठी है। तो ये देखिए यहाँ पे है, सो रही है और ऑपरेशन एकदम बढ़िया हो गया। तो वो उठी है तब थोड़ा बहुत लोग बनाएंगे, अभी फिलहाल सो रही है तो सोने दे रही है। तो फ्रेंड्स देखिए इवनिंग का डिनर आ गया है वर्षा का, और ये रही वर्षा, फीलिंग मच बेटर। देखिए लेटे लेटे ही है, खिचड़ी खाना पड़ेगा। ये है एकदम पतला पतला खिचड़ी, आप देख सकते हैं ये है छाछ, फ्रूट सब्जी है और ये दाल है। दाल खिचड़ी खाइए खाइए, कैसा लग रहा है? फाइन, तो बहुत ही अच्छा है। मतलब तो चलिए वो अपना पूरा डिनर फिनिश करते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि सुबह हो गई है और बज गए हैं 7:30, और यहाँ पे देखिए वर्षा मैडम हमारी सो रही है।
और नाश्ता भी आ गया है, तो चलिए दिखाते हैं नाश्ते में क्या है। तो यहाँ पे नाश्ते में है मस्कमेलन मिक्स फ्रूट जैम है, अमूल बटर है, ब्रेड स्लाइस है, और ये कुछ अंडा फ्राई है, ये रहर चाय। मैडम सो रही है, हाय बोल दो, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे अमूल बटर था, अमूल बटर, ब्रेड दो स्लाइस, मिक्स फ्रूट जैम, ये अंडा मसाला, ये मस्त मेल, ये मेरी भी बहन नाश्ता कर रही है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आइए आप भी हॉस्पिटल का नाश्ता करेंगे। बोलिए हॉस्पिटल का नाश्ता करें, मतलब पूरी रात सोई नहीं है, दर्द ही उतना हो रहा था, तो अभी जाके थोड़ी नींद लगी तो नाश्ता आया, तो मैंने बोला नाश्ता खा लो क्योंकि पेट खाली है। तो चलो मेरी भी नाश्ता कर लेती है, मिली आपको बाद में। तो फ्रेंड्स चलो यहाँ पे 11 बज गए हैं और आ गया है टमाटो सूप, देखिए टमाटो सूप और सूप पीने वाली मैडम। टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट, टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम फ्रेंड्स, नखरे देखिए हमारे बीबी के, बोल रही है कि दवा दवा स्मेल आ रहा है। अभी हॉस्पिटल का सूप है और बेस्ट है, मैंने चखा भी, एक नंबर है, पर हमारी मैडम को नखरा है। देखिए उनका फेस देखिए। तो फ्रेंड्स दोपहर का लंच आ गया है, देखिए मेरे लिए आया था सैंडविच, यहाँ पे है चिकन दूधी का साग, खिचड़ी, छाछ, और स्वीट में है लापसी, मतलब दलिया। यहाँ मेरी मैडम खा रही है। और फ्रेंड्स मैं अभी जा रही हूँ घर पे, मेरा डिस्चार्ज हो गया है, तो बहुत ही खुश है, मतलब खाना खाने के बाद सीधा घर पे। तो चलिए आपको मिलते हैं सीधा घर पे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर पे आ गए, डिस्चार्ज हो गया, और प्रोसेस में तो बहुत ही टाइम लगा, लगभग 5 से 6 घंटे प्रोसेस में चले गए। क्यों मैडम, बराबर ना? वही मेडिक्लेम रहता है ना, तो प्रोसेस वो प्रोसेस में एक्चुअली फ्रेंड्स बहुत टाइम हो गया प्रोसेस में, समझा? एक दिन बाकी, डॉक्टर तो आई थिंक सो सुबह जो कह के गए थे 8 बजे कि आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो 12 बजे आई थिंक सो मतलब बोल दिया था हमको कि डिस्चार्ज है, तो 12 का लगभग 6 बज गया डिस्चार्ज मिलते मिलते, मतलब 5 या 6 घंटे, पर फाइनली अच्छा हो गया, घर पे आ गए बस। बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी व्लॉग आएगा नहीं आएगा पता नहीं, अभी देखते हैं, जैसे डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, घर पे अभी तो हूँ तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगे हॉस्पिटल का, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कल नए व्लॉग में। ओके बाय, गुड नाइट।